हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं शॉटकी डायोड के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शॉटकी डायोड है उसको लेके आपको ये तीन पॉइंट पता होना चाहिए। सबसे पहला जो शॉटकी डायोड होता है मेटल सेमीकंडक्टर डायोड होता है, इसमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम से कम होता है। और यहाँ पर ये जो शॉटकी डायोड होता है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए। हाई फ्रिक्वेंसी स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए शॉटकी डायोड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो शॉटकी डायोड है इसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शॉटकी डायोड है, ये शॉटकी डायोड को हम लोग बेसिकली शॉटकी बैरियर डायोड भी बोलते हैं, हॉट करियर डायोड भी बोलते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जैसे कि हमने डिस्कस किया जो शॉटकी डायोड होता है उसको हम लोग मेटल सेमीकंडक्टर डायोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम लोग देखें जो शॉटकी डायोड होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक मेटेलिक पार्ट मिलता है, और यहाँ पर ये दूसरा जो हमें जो पार्ट है जो मिल रहा है, दूसरा जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है वो मेटल लेयर है, मेटेलिक लेयर है, और ये वाला जो लेयर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर है, या फिर बोल सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। और यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको जंक्शन मिल रहा है, तो ये जो जंक्शन है इसको हम लोग कौन सा जंक्शन बोलते हैं, एमएस जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये मेटल और यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो यहाँ पर आपको मेटल दिखाई दे रहा है, तो ये रीज़न की वजह से जो शॉटकी डायोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक डायोड, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड। यहाँ पर ये जो शॉटकी डायोड है इसका अगर आप सिंबल कंसीडर करो तो जो सिंबल होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये एनोड टर्मिनल, ये कैथोड टर्मिनल, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको एस जैसा सिंबल दिखाई देता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको सिंबल मिलेगा शॉटकी डायोड का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आप शॉटकी डायोड का फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर देखो तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर बीच में आपको ओमिक कॉन्टैक्ट मिलता है, उसके साथ कैथोड टर्मिनल कनेक्टेड होता है, एन टाइप सिलिकॉन बार लगा होता है, ये मेटेलिक कॉन्टैक्ट कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर ये SiU2 लेयर होता है। SiU2 लेयर मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर बेसिकली यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये जो लेयर होता है इसको हम लोग बोलते हैं SiU2 लेयर, SiU2 लेयर होता है ये। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शॉटकी डायोड होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शॉटकी डायोड होता है उसको हम लोग यूनिपोलर डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि शॉटकी डायोड में जो करंट का जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। हमें पता है यूनिपोलर डिवाइस और बाईपोलर डिवाइस का मतलब क्या है। बाईपोलर डिवाइस ऐसे डिवाइस होती है जिसमें करंट का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से भी होता है, होल के वजह से भी होता है। मगर यूनिपोलर डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें जो करंट का जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ या तो इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा या तो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, होल के वजह से होगा। यहाँ पर ये जो शॉटकी डायोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस, क्योंकि इसमें जो करंट जो फ्लो होता है वो किसके वजह से फ्लो होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन के वजह से क्यों फ्लो होता है, मेटल मेटल में तो हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो कंडक्शन होगा शॉटकी डायोड में वो किसके वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा। तो यही रीज़न के वजह से जो शॉटकी डायोड होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शॉटकी डायोड होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो शॉटकी डायोड होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है मेटल का और एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉटकी डायोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो शॉटकी डायोड का जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको समझने से पहले हम लोग बैंड डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं, किसका, मेटल का और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने मेटल का बैंड डायग्राम कंसीडर किया है और यहाँ पर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम कंसीडर किया है। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, बेसिकली फर्मी एनर्जी लेवल है किसका, मेटल का। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है वैक्यूम एनर्जी लेवल, या फिर आप बोल सकते हो वैक्यूम। तो यहाँ पर ये वैक्यूम में कोई भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है मेटल का, फर्मी एनर्जी लेवल और यहाँ पर ये वैक्यूम लेवल, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्क फंक्शन। और जो वर्क फंक्शन होता है उसको हम लोग शो करते हैं E∅m से। यहाँ पर ये मेटल का फर्मी एनर्जी लेवल, यहाँ पर ये वैक्यूम लेवल, दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये जो वर्क फंक्शन है आपको क्या इंडिकेट करता है, वर्क फंक्शन आपको ये इंडिकेट करता है कि कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी होगी मेटल के इलेक्ट्रॉन को ये वैक्यूम में भेजने के लिए। और यहाँ पर ये जो वर्क फंक्शन होता है इसको हम लोग शो करते हैं E∅m से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एनर्जी का मल्टीप्लिकेशन कंसीडर किया है, यहाँ पर ये जो 5m है ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और वर्क फंक्शन ऑफ मेटल होता क्या है, जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का, डिफरेंस इन बिटवीन दी फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ मेटल और एंड वैक्यूम इज़ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, वैक्यूम एनर्जी लेवल, और जो मेटल का जो फर्मी एनर्जी लेवल है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली वर्क फंक्शन होता है मेटल का। और ये वर्क फंक्शन आपको ये बोलता है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन को आपको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैक्यूम लेवल पर चले जाए। और वैक्यूम लेवल पर जैसे इलेक्ट्रॉन चले गया तो जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो F आपको जो दिखाई दे रहा है,
यहाँ पर ये जो एफ आपको जो दिखाया जा रहा है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये जो एफ है ये आपको इंडिकेट कर रहा है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी लेवल ऑफ मेटल। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एन टाइप सेमी कंडक्टर का बैंड डायग्राम कंसिडर किया है, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। आपको अगर पता हो एन टाइप सेमी कंडक्टर का बैंड डायग्राम, तो यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया वैक्यूम, ये जो डॉटेड रीजन है वो आपको इंडिकेट कर रहा है वैक्यूम। और यहाँ पर ये वाला जो बैंड है कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। और ये वाला जो बैंड है कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। ये वाला जो बैंड है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है कंडक्शन बैंड, और ये वाला जो बैंड है जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है बेसिकली कौन सा बैंड होता है, ये होता है वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो सेमी कंडक्टर का फर्मी लेवल है, सेमी कंडक्टर का फर्मी लेवल और यहाँ पर ये वैक्यूम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग बेसिकली बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वो जो वर्क फंक्शन होता है वो किसका होता है, सेमी कंडक्टर का होता है। तो जो सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है उसको हम लोग बेसिकली शो करते हैं E5S से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो E5S है वो है क्या, यह है वर्क फंक्शन सेमी कंडक्टर का। और सेमी कंडक्टर का वर्क फंक्शन है क्या, जो एन टाइप सेमी कंडक्टर है उसका फर्मी एनर्जी लेवल और वैक्यूम के बीच का जो डिफरेंस है वही है बेसिकली वर्क फंक्शन ऑफ एन टाइप सेमी कंडक्टर, वर्क फंक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस इन बिटवीन एन टाइप फर्मी लेवल, जो एन टाइप फर्मी लेवल यहाँ पर ये एन टाइप फर्मी लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है ये एन टाइप फर्मी लेवल और यहाँ पर ये वैक्यूम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस इन बिटवीन एन टाइप फर्मी लेवल ऑफ सेमी कंडक्टर एंड वैक्यूम इज अ वर्क फंक्शन ऑफ अ सेमी कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कंडक्शन बैंड। यहाँ पर एक और एक बात, जो सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन होता है, सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है और सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है। और सिमिलरली जो सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है वो अगेन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि सेमी कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है कितनी एनर्जी उसे आपको प्रोवाइड करना होगा ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर चले जाए, वैक्यूम में चले जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये हमें कंडक्शन बैंड दिखाई दे रहा है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये वैक्यूम, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग शो करते हैं E-Xi से। और यहाँ पर इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब यहाँ पर ये जो कंडक्शन बैंड और वैक्यूम के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें इंडिकेट करता है एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो जो एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग शो करते हैं E-Xi से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो मेटल हमें जो दिखाई दे रहा है, जो मेटल का जो बैंड डायग्राम होता है वो बेसिकली अगर आप देखो ये पी टाइप सेमी कंडक्टर के तौर, ये जो मेटल का जो बैंड डायग्राम है वो आपको पी टाइप सेमी कंडक्टर के बैंड डायग्राम के तरह मिलेगा। और यही रीज़न की वजह से जो मेटल होता है बेसिकली पी टाइप सेमी कंडक्टर के तौर पर एक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे हम लोग जो शॉटकी डायोड है उसका भी हम लोग बैंड डायग्राम कंसिडर करेंगे, तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर ये मेटल का वर्क फंक्शन कम होता है और जो सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन होता है वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने डिस्कस किया जो वर्क फंक्शन होता है सेमीकंडक्टर का वो कम होता है और जो वर्क फंक्शन होता है मेटल का वो ज़्यादा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वर्क फंक्शन होता है यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ, जो वर्क फंक्शन होता है सेमीकंडक्टर का वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अगर हम लोग बैंड डायग्राम कंसीडर करें शॉटकी डायोड का, तो जो शॉटकी डायोड का जो बैंड डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि मैंने डिस्कस किया था थोड़े टाइम पहला, यहाँ पर ये जो वर्क फंक्शन होता है सेमीकंडक्टर का वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। इससे पहले अगर मैं इसका उल्टा बोल दिया होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लेना, जो मेन जो है वो आपको क्या नोट डाउन करना है। जैसे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पहला ऐसा बोल दिया रहूँगा कि जो वर्क फंक्शन है सेमीकंडक्टर का वो ज़्यादा होता है और मेटल का वर्क फंक्शन कम होता है, तो अगर मैं ऐसा बोला होगा तो वैसा नहीं है, वो रॉन्ग है। जो सेमीकंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। वन सेकेंड रिपीट करते रहूँ, जो वर्क फंक्शन होता है सेमीकंडक्टर का वो कम होता है और जो मेटल का जो वर्क फंक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आ जाते हैं शॉटकी डायोड के बैंड डायग्राम के ऊपर, तो शॉटकी डायोड का जो बैंड डायग्राम होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये फर्मी एनर्जी लेवल है किसका, ये फर्मी एनर्जी लेवल है मेटल का, और यहाँ पर ये फर्मी एनर्जी लेवल एन टाइप सेमीकंडक्टर का जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये एन टाइप फर्मी एनर्जी लेवल। और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया ये है कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर ये इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल, और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड हमने कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो कंडक्शन बैंड और यहाँ पर ये जो हाइट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये जो हाइट आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड और यहाँ पर ये जो हमने जो लाइन जो ड्रॉ किया
इसके बीच की जो हाइट होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको हम लोग शो करते हैं VBI से। तो यहाँ पर ये बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, बिल्ट इन पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल एंड सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एज बिल्ट इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो क्या होता है, जो सेमी कंडक्टर का वर्क फंक्शन और जो मेटल का वर्क फंक्शन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये जो VBI है ये बेसिकली बिल्ट इन पोटेंशियल होता है, जो कि डिफरेंस होता है मेटल का वर्क फंक्शन और जो सेमी कंडक्टर का जो वर्क फंक्शन है उसके डिफरेंस के बराबर में होता है बिल्ट इन पोटेंशियल। तो बिल्ट इन पोटेंशियल अगर आपको कोई पूछता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सटर्नल आपको पूछ सकता है व्हाट इज़ बिल्ट इन पोटेंशियल, तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल होता है द डिफरेंस इन बिटवीन वर्क फंक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर एंड मेटल इज कॉल्ड एज द बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको हम लोग शो करते हैं VBI से। यहाँ पर मैं सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लिया करो क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में या फिर आप बोल सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में या फिर आप बोल सकते हो एक्सटर्नल आपका पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ये सब नोट डाउन करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पर ये जो गैप होता है इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल। यहाँ पर आप देखो यहाँ पर ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है और यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम है किसका है, मेटल का। तो यहाँ पर ये मेटल का बैंड डायग्राम और यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो आपको जो हाइट जो दिखाई दे रही है, ये जो पर्टिकुलर जो हमने जो हाइट जो शो किया है, ये जो हाइट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शॉटकी बैरियर पोटेंशियल। और यहाँ पर ये जो शॉटकी बैरियर पोटेंशियल होता है उसको हम लोग शो करते हैं φSB से। और यहाँ पर ये जो शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस होता है मेटल का वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी के बीच। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटल वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटल वर्क फंक्शन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल। और जब हम लोग कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते तो ये जो शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, बिल्ट इन पोटेंशियल के कंपैरिजन में। अब हम लोग कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते तो जो शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल है, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लो। तो जब हम लोग कोई बायसिंग प्रोवाइड नहीं करते तो जो शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल होता है वो ग्रेटर होता है किसके कंपैरिजन में, बिल्ट इन वोल्टेज के, बिल्ट इन पोटेंशियल के कंपैरिजन में। तो जो और जो शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिफरेंस होता है किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और मेटल के वर्क फंक्शन के बीच का। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है, आप अगर ये बैंड डायग्राम को केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर ये शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से सेमी कंडक्टर की तरफ फ्लो ही नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिकली मिल रहा है बैरियर पोटेंशियल और ये बैरियर पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर सकता है। तो ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से आप ऐसा बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा कैसा होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो n से m के तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो m से n के तरफ नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बैंड डायग्राम में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है शॉर्ट की बैरियर पोटेंशियल। ये जो बैरियर पोटेंशियल आपको जो दिखाई दे रहा है ये बैरियर पोटेंशियल को जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली क्रॉस नहीं कर पाता और ये रीज़न की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है मेटल से एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ फ्लो नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, अगर वर्किंग प्रिंसिपल आप देखो ये शॉर्ट की डायोड का, जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो यहाँ पर ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज़ करती है, बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ करती है। ये बिल्ट इन पोटेंशियल की हाइट डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, अगर ये बिल्ट इन पोटेंशियल की हाइट अगर डिक्रीज़ करेगी तो यहाँ पर ये जो बैंडिंग है वो डिक्रीज़ करेगी, मतलब ये जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होने लगेगी और जैसे जैसे ये कर्व स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होने लगेंगी तो जो इलेक्ट्रॉन है सेमी कंडक्टर से या फिर बोल सकते जो इलेक्ट्रॉन है वो एन लेयर से एम लेयर की तरफ फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ फ्लो होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ फ्लो होने लगेगा। जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ करेगी, यहाँ पर ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ करेंगी, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो कर्व है वो और नीचे की तरफ जाएंगी, जो कर्व है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। तो यहाँ पर ये जो कर्व की जो बैंडिंग है वो और इंक्रीज़ करेगी, बैंडिंग इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन है सेमी कंडक्टर से मेटल की तरफ फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर जाती है, बिल्ट इन पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज़ करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा होता है सेमी कंडक्टर से मेटल की तरफ वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। और ये रीज़न की वजह से जो शॉर्ट की बैरियर डायोड होता है, ये जो शॉर्ट की डायोड होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए। क्यों स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है। और इसका रीज़न भी हमने यहाँ पर देखा थोड़े टाइम पहला, जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट है वो डिक्रीज़ करती है,
या बिल्ट इन पोटेंशियल की हाइट डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, ये जो हाइट है वो डिक्रीज़ करती है, हाइट डिक्रीज़ करने की वजह से ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होने लगती है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है सेमी कंडक्टर से मेटल के तरफ। जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो होता क्या है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट है वो इंक्रीज़ करती है। बिल्ट इन पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है सेमी कंडक्टर से मेटल की तरफ वो बंद हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब हम लोग फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो जो हाइट होगी बिल्ट इन पोटेंशियल की वो डिक्रीज़ करने लगेंगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होने लगेगा एन से एम के तरफ। जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा एन से एम के तरफ फ्लो होगा और आपका जो शॉटकी डायोड है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इन शॉटकी बैरियर डायोड करंट फ्लो, जैसे कि हमें पता है नॉर्मल डायोड में जो करंट जो फ्लो करता है वो कौन से प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। मगर यहाँ पर ये शॉटकी बैरियर डायोड में होता है कि जो करंट है वो फ्लो करता है एक प्रोसेस की वजह से, और वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मायोनिक एमिशन प्रोसेस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इन शॉटकी बैरियर डायोड करंट फ्लोस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ थर्मायोनिक एमिशन। इन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लोस ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जो करंट जो फ्लो होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से फ्लो होता है। यहाँ पर एक और एक बात शॉटकी डायोड को लेके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करते जाओ। कट इन वोल्टेज, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कट इन वोल्टेज ऑफ शॉटकी डायोड इज लेस इन कंपैरिजन विद पीएन जंक्शन डायोड। जो कट इन वोल्टेज होता है शॉटकी डायोड का वो कम होता है पीएन जंक्शन डायोड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, आप पीएन जंक्शन डायोड देखो, पीएन जंक्शन डायोड या फिर बोल सकते हैं नॉर्मल डायोड के लिए जो कट इन वोल्टेज आपको जो मिलेगा वो समवेयर अराउंड 0.7 मिलेगा। 0.7 से पहले आपका जो डायोड होगा वो ऑफ रहेगा। मगर यहाँ पर अगर हम लोग देखें शॉटकी डायोड में जो आपको जो कट इन जो वोल्टेज जो मिलता है वो आपको कितना मिलता है, आपको मिलता है 0.2 वोल्ट। तो शॉटकी डायोड में जो कट इन वोल्टेज होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल डायोड, और जो नॉर्मल डायोड है उसमें जो कट इन वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें समझ में आ गया, जो शॉटकी डायोड होता है उसको हम लोग बेसिकली यूज़ कर सकते हैं स्विच के तौर पर, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ कर सकते हैं, फॉरवर्ड बायस में ऑन हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट का फ्लो नहीं होता। आपने फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड किया तो आपका शॉटकी डायोड कंडक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन स्विच के तौर पर एक्ट करेगा। आपने रिवर्स बायस प्रोवाइड किया तो शॉटकी डायोड ऑफ स्विच के तौर पर एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉटकी डायोड इज़ यूज एज अ बेसिकली हाई फ्रिक्वेंसी स्विच और कैन से फॉर दी स्विचिंग एप्लीकेशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग करंट डेंसिटी के लिए इक्वेशन देखें, इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी इन शॉटकी डायोड, शॉटकी डायोड में करंट डेंसिटी के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है जो जे, वो आपको इंडिकेट कर रहा है करंट डेंसिटी, जे एस टी ई टू दी पावर वी एफ और डिनोमिनेटर में वी टी माइनस वन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो जे एस टी है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी ऑफ शॉटकी डायोड, और यहाँ पर ये जो जे वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट डेंसिटी इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी हमने जो कंसिडर किया है ये किसके बराबर में रहता है, ये बराबर में रहता है ए और पावर में स्टार टी स्क्वायर ई टू दी पावर फाइव एम अपॉन वी टी। यहाँ पर ये जो वी टी होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो ए आपको जो दिखाई दे रहा है और ये पावर में स्टार, ये बेसिकली होता है कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम लोग नाम देते हैं इफेक्टिव रिचार्डसन कांस्टेंट ऑफ थर्मायोनिक एमिशन। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमें करंट डेंसिटी का जो इक्वेशन मिलता है शॉटकी डायोड के केस में, उसमें हमें जो कांस्टेंट जो मिलता है उसका नाम क्या होता है, वो कांस्टेंट का जो नाम होता है वो होता है इफेक्टिव रिचार्डसन कांस्टेंट ऑफ थर्मायोनिक एमिशन, और ये थर्मायोनिक एमिशन प्रोसेस की वजह से जो शॉटकी डायोड है उसमें करंट फ्लो होती है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर आप शॉटकी डायोड को अगर यूज़ करो रिवर्स बायस में तो होगा क्या, शॉटकी डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, जब आप रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करोगे और उसको इंक्रीज़ करोगे तो जो हाइट होगी बैरियर पोटेंशियल की वो इंक्रीज़ करेंगी, मतलब जो बिल्ट इन पोटेंशियल की जो हाइट होगी वो इंक्रीज़ करेंगी। ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट ऑफ बिल्ट इन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन विल नॉट फ्लो फ्रॉम एन टू एम, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ड्यू टू विच करंट विल बी जीरो इन शॉटकी डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, रिवर्स बायस कंडीशन में शॉटकी डायोड में जो करंट होता है वो जीरो होता है, ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है शॉटकी डायोड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अंडर रिवर्स बायसिंग इंस्टेंटेनियसली करंट विल बिकम जीरो, ड्यू टू दिस रीजन शॉटकी डायोड इज यूज इन हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन लाइक स्विचिंग एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था, फिर से एक बार बोल देता हूँ, जब हम लोग रिवर्स बायस में शॉटकी डायोड को लगाते तो होता क्या है, जो शॉटकी डायोड है वो कंडक्ट करना बंद कर देता है। तो ये बेसिकली कैसा काम करता है, ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। जब आप पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ोगे तो आप ये देखोगे, आप स्विचिंग एनालिसिस, जब पावर इलेक्ट्रॉनिक में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्विचिंग एनालिसिस, तो आप ये पढ़ोगे पावर इलेक्ट्रॉनिक क्या, जब भी आप कोई भी सेमी कंडक्टर एनालॉग पढ़ोगे, एनालॉग जैसे ईडीसी हो गया,
मगर ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक में, तो आप ये पढ़ोगे कि जब भी आपका डिवाइस कंडक्ट करता है तो ऐसे केस में जो डिवाइस होता है वो एक क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है, और जब डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है इसका मतलब जब डिवाइस में से करंट फ्लो नहीं होता है इसका मतलब जो डिवाइस है वो ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। तो सिमिलरली जब आपका शॉटकी डायोड कंडक्ट करता है फॉरवर्ड बायस में तो आपका जो शॉटकी डायोड है वो ऑन स्विच के तौर पर काम करता है, और जब रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करता तो जो शॉटकी डायोड है वो ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। तो यही रीज़न की वजह से जो शॉटकी डायोड है इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं स्विचिंग एप्लीकेशन में।